हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर डबल कलर की डिज़ाइन लेकर हाजिर हूँ। ये मैं पिंक कलर और वाइट कलर से बनाऊंगी। इसके लिए हम स्टिचेस डालेंगे मल्टीपल्स ऑफ 6+2। पहला फंदा हम स्लिप कर रहे हैं। मैंने इसमें पिंक कलर के थ्रेड को देखिए अटैच कर रखा है और पहला फंदा स्लिप कर रहे हैं। रॉन्ग साइड से डिज़ाइन हमारी स्टार्ट होगी। दूसरा फंदा हमने वाइट कलर से बुना और तीसरा फंदा भी हमने वाइट कलर से बुना। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे थ्रेड हैं इसे हम फ्रंट में लाएंगे, जो एक्स्ट्रा वाला है, और दो फंदे हम पिंक कलर से अपने बुन लेंगे। ये हो गए एक, फिर हम इसे ऐसे रखेंगे और इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। तो ये हमारी जो पिंक कलर का थ्रेड है वो सिक्योर हो गया। अब ये एक्स्ट्रा वूल जो है हम इसे कट कर देंगे। फिर हम वाइट कलर की थ्रेड लेंगे, उसे 1 और 2, यही रिपीट स्टार्ट होगा। यहाँ से देखिए ये एज वाला फंदा है, दो सफ़ेद कलर से हम बनाएंगे, दो पिंक से, फिर दो सफ़ेद से। अब फिर हम स्टार्ट करेंगे रिपीट। ये दो हम वाइट कलर से बना रहे हैं अपने उल्टे फंदे। अब हम अपने पिंक कलर से बनाएंगे, यानी सेकंड कलर। ये फ्लावर के लिए है पिंक कलर, ये मैंने उल्टा बनाया। फिर हमारे पास देखिए लास्ट में तीन फंदे बचे हैं, एक एच का फंदा और दो डिज़ाइन का, क्योंकि हमने एच के लिए 2 स्टिचेस ली थी एक्स्ट्रा साइड के लिए। इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट होती है। अब हम सेकेंड रो पे आ रहे हैं। देखिए सेकेंड रो, पहला फंदा हम स्लिप कर रहे हैं और आगे के जो डिज़ाइन वाले दो फंदे हैं इन्हें हम सीधा बुन लेंगे वाइट कलर से। हमारी डिज़ाइन स्टार्ट हो गई। देखिए ये रिपीट ही आपको बनाना है। उसके बाद हम रेड कलर के थ्रेड को आगे करेंगे, सॉरी रेड नहीं, पिंक कलर के, और इन्हें उल्टा बना लेंगे। पिंक कलर वाला जो फंदा है उसे हमें उल्टा बनाना होगा। उसके बाद हम थ्रेड फिर पीछे कर देंगे और ये दो फंदे जो हैं, एक और दो, सीधे बना लेंगे। अब फिर हमारा वही रिपीट स्टार्ट हो रहा है। मैं सेम उसी तरह बनाऊंगी, ये दो फंदे उल्टे, उसके बाद उल्टे नहीं सॉरी सीधे। अब आगे के दो फंदे हम जो पिंक कलर वाला है उल्टा, और फिर इस पिंक कलर की थ्रेड को पीछे करेंगे और ये जो फंदे हैं इन्हें हम देखिए 1, 2 और 3, ये हमारी हो गई थर्ड रो। फोर्थ रो में हमें क्या करना है, फोर्थ रो में पूरी रो हमें वाइट कलर से ही कंप्लीट करनी है। पहला फंदा स्लिप कर रहे हैं, ये दो फंदे आगे के हम उल्टे बुन रहे हैं, यही रिपीट स्टार्ट होगा। और ये जो हमने पिंक कलर का बनाया फंदा, इन पे दो बार हम लपेटेंगे वाइट कलर के ऊन से इस तरह, और आगे के दो फंदे प्लेन हम प्लेन उल्टे बुन लेंगे। अब फिर हमें ये आगे वाले भी रिपीट स्टार्ट करना है, सेम वही दो फंदे उल्टे बुनेंगे और पिंक कलर पे दो बार लपेटते हुए दोनों फंदों को
उल्टा ही बनाएंगे। इसे फिर हम आगे वाले फंदे को भी उल्टा बुन लेंगे। लास्ट के फंदे को, एज वाले फंदे को भी हमें उल्टा बुनना है। अब देखिए डिज़ाइन शुरू हो रही है। हम फ्रंट में आ गए यानी फिफ्थ रो में। पहला फंदा हम सेम उसी तरह स्लिप करेंगे, या अगर आप बुनते हैं तो बुन लीजिएगा। इसके बाद देखिए ये वाले फंदों को हमें चेंज करना है, तो ये दो फंदे हम इसमें ही डाले और इसे हम इस वाले में शिफ्ट किए। यहाँ शिफ्ट करके हम इसे सीधा बना लेंगे। एक ये हो गया, दो हो गया और तीन ये हमने बनाया। उसके बाद देखिए इस वाले को, ये जो मैंने लपेटा था इसे फिर हम ओपन करें और इसे हम छोड़ देंगे। ये दो, इन्हें हम यहाँ लाएंगे और इसे हम इस तरफ ले जाएंगे। अब देखिए फिर हम इस पे डाल दे रहे हैं लेफ्ट हैंड पे, और इन्हें भी हम सीधा ही बुन देंगे। दो फंदा, ये देखिए अंदर आ गए। ये दो डिज़ाइन वाला है और चार ये हो गए। और अब इसे हम ऐसे सीधा करते हुए यहाँ इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिए ये इस तरह हो गए। अब फिर हम यहाँ से ओपन करेंगे इस वाले को जो लपेटे हैं, इसको हम फिर अपनी लेफ्ट हैंड में ले रहे हैं। और लपेटे हुए फंदे को हमें फ्रंट में लाना है। ये डिज़ाइन देखिए इस तरह कट करती हुई जाएगी। और लपेटे हुए फंदे को ओपन करने के बाद हम इन्हें टर्न करके सीधा बुन लेंगे। इसके बाद ये दो फंदे भी हम एक और दो सीधा बुने। अब देखिए हम लपेटा हुआ ये फंदा ओपन करेंगे, इसे हमें पीछे लाना है। एक और दो, इसके बाद इसे ले आना है इस तरफ और फिर हम इन सिलाइयों में डाल लेंगे। अब हमें प्लेन ये दो फंदे जो बीच में आए हैं, यहाँ से दो और यहाँ से दो, चार हो गए, इन्हें हमें सीधा बुनना है। दो ये हम सीधा बुने। उसके बाद हम इस वाले को थोड़ा सा चेंज कर ले रहे हैं क्योंकि इससे डिज़ाइन अच्छी आएगी। ये हो गया हमारे, देखिए बीच में ये जो दो हैं हमने शिफ्ट किया, तो ये दो प्लेन ये और दो, चार प्लेन हो गए और ये वाली डिज़ाइन इस तरह बन गई। इसके बाद फिर हम इस फंदे को सीधा बना लेंगे। अब रॉन्ग साइड से हमें सारे फंदे उल्टे बुन कर पैटर्न को कंप्लीट। देखिए फिफ्थ रो स्टार्ट करेंगे, पर मैं आपको फ्रंट से बता दे रही हूँ। ये जो गई है डिज़ाइन ऐसे, इस पे हम एक स्लिप करने के बाद पिंक कलर से बुनेंगे, फिर उसके बाद चार हम बनाएंगे वाइट कलर से, फिर ये देखिए ये और ये जो क्लोज हुई डिज़ाइन, इन्हें पिंक कलर से, जो ये लंबे वाले आपको दिख रहे हैं लूप, इसे हम बनाएंगे पिंक कलर से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिफ्थ रो। पहला फंदा स्लिप किया, दूसरा फंदा हमने पिंक कलर की थ्रेड से उल्टा बुना। ये हो गया। उसके बाद हम आगे के एक दो तीन चार बनाए,
फिर हम ये दो पिंक कलर से बनाएंगे, एक और दो। उसके बाद फिर हम एक दो तीन और चार, ये मैंने बनाया देखे वाइट कलर से। अब हम एक पिंक कलर से बनाएंगे, जो स्लिप करने के बाद जैसे बनाया था, और लास्ट का हम वाइट कलर से बनाएंगे। अब देखिए हम सिक्स रो में हैं, पहला फंदा हम स्लिप कर रहे हैं, ये आगे वाले फंदे को हमें थ्रेड आगे करके उल्टा बुनना है, ये पिंक कलर का, इसे हम उल्टा बनाएंगे। ये हमने बना लिया, वाइट कलर की थ्रेड को खींचेंगे, ये पीछे करेंगे और वाइट कलर से हम सीधा बनाएंगे चार फंदों को, एक दो तीन और चार। ये डिज़ाइन डायगोनल बनेगी एक दूसरे को कट करते हुए, और ये हो गया, ये मैंने बना लिया। सिक्स रो है और अब आगे हमें दो पिंक कलर के दिख रहे हैं, दो फंदों को हम उल्टा ही बनाएंगे, दो उल्टा थ्रेड पीछे किए, और अब हम चार फंदे को एक दो तीन चार, उसके बाद पिंक कलर का थ्रेड आगे करके एक पिंक वाला उल्टा बनाएंगे, जैसे एक जो पहले स्लिप किए थे उसके बाद मैंने उल्टा बनाया था, हम सीधा बना लेंगे। अब देखिए हम रॉन्ग साइड आ गए, सेवेंथ रो में एक फंदा उतारेंगे और इस वाले फंदे पे हमें टू टाइम रैप करना है, जो पिंक कलर का दिख रहा है आपको, एक उसके बाद उल्टा बनाएंगे, एक दो तीन और चार। ये चार फंदे हमने बना लिए। इसके बाद ये दिख रहे हैं हमें जो फंदे, इनमें वाइट कलर से बनाना है, टू टाइम्स रैप करेंगे। अब हमें क्या करना है कि दो फंदों पे रैपिंग करनी है, एक पे हमने कर लिया और दूसरे फंदे पे भी टू टाइम, वन टू रैप करना है। आगे के चार फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, उल्टा ही बुनते हुए सब रैपिंग करनी है, पूरे जो पिंक कलर के फंदे हैं चार। अब इस लास्ट वाले पे हम टू टाइम रैप करेंगे, वन और टू, उसके बाद लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनेंगे। अब देखिए हमारी एट्थ रो आएगी, एट्थ रो में हमें क्या करना है, ये वाला जो है हमें लास्ट में ले जाना है और इस डिज़ाइन को कवर करना है। मैं दिखा रही हूँ आपको कैसे किया जाएगा। एक फंदा हम स्लिप करेंगे, इन तीन फंदों को हम उतार लेंगे और इस वाले फंदे को देखिए इस वाली सिलाई में राइट में डालेंगे, और इस जो डबल बार फोल्ड किया उसे हम लेफ्ट में डालेंगे, इसके बाद इसको टर्न कर देंगे लेफ्ट में। अब हम इन तीन फंदों को सीधा बुन लेंगे वाइट कलर की थ्रेड से, वन टू और थ्री, ये हो गए। इसके बाद देखिए ये यहाँ है जो फंदा, इसे हम पीछे लाएंगे,
मैंने लेफ्ट निडल में डाला, उसके बाद इसे हम सीधा करके लेफ्ट निडल में डाल दिए। अब इन तीन फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। इनकी पोजीशन चेंज होती है और डिज़ाइन डायगोनल दिखेगी। तीन, ये हमने देखिए बनाया, ये डिज़ाइन कवर हुई। उसके बाद ये वाला फंदा हम ओपन करेंगे और जो तीन फंदे हैं इसमें से ये देखिए हम पीछे ले आएंगे। पीछे ये खुल गया, इसे हम देखिए इस तरह कर लेंगे। उसके बाद ये हम फ्रंट से पीछे ले गए, इसे हमें सीधा कर लेना है। उसके बाद फिर हम लेफ्ट नीडल में इन फंदों को डालकर फिर इन तीन फंदों को सीधा बुन लेंगे वाइट कलर की वूल से। दो और तीन। अब देखिए ये वाला है जो, इसे हम उतारेंगे। ये बैक साइड से देखिए हमने इसमें ले लिया और इसे हम ऐसे किए सीधा और फ्रंट में डाल दिए। पहले हम इसे बुनेंगे और उसके बाद दो फंदों को सीधा बना लेंगे। मतलब टोटल तीन फंदे हम फिर सीधा बुन लेंगे और रेगुलर 8 रो हम रिपीट करते जाएंगे तो हमारी डिज़ाइन बनती जाएगी। लास्ट फंदा हम सीधा बना लेंगे। देखिए ये डिज़ाइन मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देख रहे हैं, यहाँ से ओपन हुई है, यहाँ क्लोज हो गई है और फिर यहाँ से ओपन हुई है, यहाँ क्लोज हो गई। अब जो डिज़ाइन जाएगी ये यहाँ पर हम बनाएंगे और यहाँ पर, अब ये ऊपर जाके क्लोज हो जाएगी और ये ओपन हो जाएगी। इसी तरह ये डायगोनल सेक्शन बनता चला जाएगा। अगर आपको हमारा ये पैटर्न पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्रिएशन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।